हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और इस ब्यूटीफुल फैमिली को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। आज हम ये देखेंगे कि आपकी जिंदगी में आगे अब कौन सी खुशी आने वाली है, कौन सी खुशियाँ आपका दरवाज़ा खटखटा रही हैं, नॉक नॉक कर रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ खुशियों की बातें करेंगे। मुझे पता है सारे हैप्पी सोल्स हैप्पी सोल टैरो के साथ हैं और हम यहाँ पे खुशियों की बातें करते हैं, आगे बढ़ने की बातें करते हैं, जिंदगी में किन चीज़ों को ओवरकम करके, किन स्ट्रगल्स को, किन चैलेंजेस को ओवरकम करके हमें आगे बढ़ना है, बस हम आगे की तरफ देखते हैं। तो आज एक और रीडिंग करेंगे और ये पिकअप आइल रीडिंग होगी फ्रेंड्स। तो इसमें जैसे ये तीन ज्वेलरी पीसेस हैं यहाँ पर, आपको जो भी इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करे आप इसे चूज कर सकते हैं, और अगर तीनों अट्रैक्ट करे तो आप तीनों चूज कर सकते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, पाइल नंबर वन ये है जो ईयर रिंग है और ब्लू कलर का है, और पाइल नंबर टू है ये बाजू पर पहनने वाला, ठीक है। तो ये पाइल नंबर टू है और एक और है बाजू पर पहनने वाला, पाइल नंबर थ्री। तो आपको जो भी अट्रैक्ट करे आप इसे चूज कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी पाइल नंबर वन से और देखते हैं आपकी जिंदगी में क्या खुशियां आ रही हैं। तो हम इन्हें जरा साइड में रख देते हैं। ओके, तो पाइल नंबर वन, जिन्होंने ये ब्लू कलर का इयररिंग चूज किया है, तो वेलकम पाइल नंबर वन। हम देखते हैं आपकी जिंदगी में क्या खुशियां आ रही हैं, क्या खुशियां आ रही हैं। सो तीनों डेक्स से, तीन डेक्स यूज करूंगी मैं, और तीनों डेक्स से हम एक एक कार्ड निकालेंगे और उसके बाद जानेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या खुशियां आ रही हैं। यहाँ पे हम सिर्फ खुशियों की तरफ फोकस करने वाले हैं। आई थिंक इसको थोड़ा सा इधर रख देते हैं। तो कौन सी खुशियां आ रही हैं, बहुत बहुत बड़ी खुशियां दिखाई दे रही हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। तो पाइल नंबर वन, जो भी व्यूअर्स आपने पाइल नंबर वन चूज किया है, आपने बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप देखे हैं अपनी लाइफ में और बहुत सारा जैसे स्ट्रगल देखा है रिलेशनशिप्स में, एक सच्चे प्यार को आपने पाया नहीं है अभी तक, और जैसे आपका एक सच्चे प्यार की तलाश जरूर रही है आपने, एक बहुत ही आपने शायद बहुत ज्यादा प्यार करने की कोशिश की है या प्यार को ढूंढने की कोशिश की है अपनी जिंदगी में। और अगर ये सब आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये आपकी पाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप को जी चुके हैं। बहुत ज्यादा हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहे हों या बहुत ज्यादा आप पर हावी हों हर चीज में, या फिर बहुत हद तक अब्यूजिव हो। तो जो भी है इस वक्त, ये जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं, आप लोग बहुत स्ट्रगल्स देख चुके हैं रिलेशनशिप में और आपको ये एक डर है कि अब आगे क्या ऐसा ही रिलेशनशिप मेरे लिए है, क्या मेरे लिए कोई अच्छा रिलेशनशिप इस दुनिया में नहीं है, क्या मेरे लिए, मुझे प्यार करने के लिए कोई नहीं बना है।
तो इस तरह के प्रश्न आपके अंदर आते होंगे और आप एक प्योर सोल की तरह एक बहुत ही प्योर हार्ट से अपना प्यार देना चाहते हैं किसी को। और तो आपके सामने क्या खुशियां आ रही हैं, तो आपकी दुनिया जो है वो अब बदल रही है, ठीक है। एक न्यू फेज आप अपनी लाइफ में देखेंगे, एक ऐसा प्यार आपकी जिंदगी में एंटर करेगा जो आपकी इस विचार को इस डर को बिल्कुल खत्म करके रख देगा और वो आपकी दुनिया को बदल देगा। तो आपकी जिंदगी में जैसे सच्चा प्यार आएगा जिसकी तलाश आपको आज तक रही हो और जिस चीज से आपको डर भी है कि ये ऐसा प्यार कभी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या कोई ऐसा इंसान मेरे लिए है या नहीं। तो इस तरह का जो भी अगर आपके अंदर कोई डर है तो इस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके सच्चे प्यार को आप तक लाने के लिए। जैसे आपकी दुनिया अब बदलने वाली है, जो कुछ अभी तक चल रहा था वो अब पलटेगा और एक नया मोड़ लेगा आपकी लाइफ में। वाओ, तो ये थी आपकी रीडिंग और थैंक यू पाइल नंबर 1, वेरी ब्यूटीफुल। आप बस प्यार का इंतजार करें, इंतजार ना करें, सेल्फ लव में रहें, बहुत ज्यादा सेल्फ लव में रहें। और आप में से बहुत लोग बहुत सेल्फ लव में अब रहने वाले हैं, ठीक है। जब आप सेल्फ लव में रहते हैं तभी आप सच्चे प्यार को भी अट्रैक्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू पाइल नंबर 1। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। तो जिन्होंने भी ये ज्वेलरी पीस चूज किया है, हम देखते हैं आपके लिए कौन सी खुशियां आ रही हैं। तो वेलकम पाइल नंबर 2, लेट अस सी आपकी जिंदगी में कौन सी खुशियां आ रही हैं। खुशियों की तरफ फोकस करेंगे फ्रेंड्स तो खुशियां ही देखेंगे और खुशियां ही पाएंगे। मेरे पास 3 डेक हैं और मैं एक एक कार्ड तीनों डेक से निकालूंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी कि आपकी जिंदगी कैसे खुशहाल होने वाली है। हो सकता है आज भी खुश हूं लेकिन और खुश होने वाले हैं। तो पाइल नंबर टू के व्यूअर्स, आप जो कोई भी हैं, जैसे आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहे हैं, ठीक है, और आपने दूसरों को सपोर्ट किया है उनके जैसे किसी के बुरे वक्त में आप उनके साथ रहे हैं और आपने दूसरों को काफी हो सकता है मोटिवेट किया हो, किसी ना किसी तरह की स्ट्रेंथ दी हो उनको अपनी लाइफ में, और आपने खुद के लिए जैसे आप अपने लिए एक सहारा या यूं कहें कि एक ऐसा इंसान जो रेसिप्रोकेट करे, जो जिसके लिए आप कुछ करते हैं और वो भी आपके लिए कुछ करे, ऐसा इंसान आपको आज तक नहीं मिला है। तो ऐसा इंसान जो आपकी जो ये जेन्युइन, आपने जेन्युइन एफर्ट्स किए हैं फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने सिर्फ दिखावा किया है, आपने बिल्कुल जेन्युइन एफर्ट्स किए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, या लोगों को जैसे अनकंडीशनल प्यार भी आपने दिया होगा। लेकिन आपकी खुद की सिचुएशन जो है कुछ इस तरह की है कि आपको इसके लिए कोई भी रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन या कोई भी
एक तरह का अप्रिसिएशन नहीं मिला है इन चीजों के लिए। तो आपकी जिंदगी में अब जो खुशियां आने वाली हैं, आपको जैसे आपकी परिस्थिति में आप जो भी अब करेंगे, अब आप जो नेक्स्ट करेंगे, ये इसमें आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको नेम फेम मिल सकता है यहाँ पर, आपको जैसे आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है आपके काम के लिए। आपने पहले भी बहुत काम किया होगा लेकिन आपको रिकॉग्निशन शायद नहीं मिला है उसके लिए, और अब जो है आपकी सपोर्ट में हो सकता है आप खुद खड़े हो जाएं और अपने लिए बहुत क्लैरिटी से आप एक स्टैंड लेंगे, ऐसा स्टैंड लेंगे, आप अपनी विजडम को यूज करेंगे। आपने शायद बहुत लंबा वक्त गुजारा है किसी काम के लिए जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है, और आपको हमेशा ऐसा लगा है कि कोई और आकर मेरी हेल्प कर दे और मैं सक्सेस की ये सीढ़ियां चढ़ जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद, आपने खुद की हेल्प ली करनी है और आपने की है, और आपके लिए जो आगे खुशियां आ रही हैं कि आप खुद इतने स्ट्रांग, इतने क्लियर माइंडेड, इतने वाइज सोल बन रहे हैं कि आपको बहुत रिकॉग्निशन और बहुत नेम एंड फेम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दूसरे भी रिकॉग्नाइज करेंगे, यहाँ पर आपको दूसरे भी आपकी विजडम की, आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ करेंगे। जो काम आप बहुत वक्त से कर रहे थे, जैसे उसका ना फ्रूट्स मिलने का टाइम आ गया है। जो बीज आपने बहुत पहले बोया था, ये काफी लंबे वक्त से, फ्रेंड्स अगर आप लोग वो सोल्स हैं जो काफी लंबे वक्त से किसी चीज पर काम कर रहे हैं लेकिन उसमें रिकॉग्निशन नहीं मिला है, तो ये रीडिंग आपकी है। अगर ऐसा नहीं है या आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये आपकी पाइल नहीं है, आप कोई और पाइल देख सकते हो। तो इसमें आपने बहुत लंबे समय से वक्त किया है और आपको ज्यादा मदद नहीं मिली है अपने काम में, ठीक है। आपने बहुत लंबा वक्त गुजारा है इस काम को करने में, इस क्रिएटिविटी को करने में, या इस एम्पायर को खड़ा करने में, या आप जो कुछ भी इस वक्त कर रहे हैं, इसको आपने बहुत अपने ये जैसे हम कहते हैं ना खून पसीने से सींचा है, अपने खुद की अपने अंदर की मोटिवेशन से ही आप आगे बढ़ते रहे हैं, आपको ज्यादा मदद नहीं मिली है। और अब आपको जो है यूनिवर्स आपकी जिंदगी में नेम फेम और खुशियां लेकर आ रहे हैं, आपको रिवॉर्ड किया जाएगा इसके लिए, और आप जैसे बहुत अपनी पावर में आएंगे, आप एक लीडर बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं पाइल नंबर टू। तो ये जैसे जैसे आप लोग शाइन करेंगे अपनी जिंदगी में, अब जैसे आपको लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपसे मदद मांगेंगे और आप उनके लिए खड़े हो पाएंगे। और जानते हैं फ्रेंड्स आप क्यों खड़े हो पाएंगे, क्योंकि पहले आप खुद के लिए खड़े हुए थे, पहले आपने खुद की हेल्प की थी, आपने दूसरों की तो हेल्प की लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया था, और आपने खुद की हेल्प की थी, आप खुद पहले उस मुकाम पर पहुंचेंगे और तब आप दूसरों की मदद भी करेंगे। वाओ, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स पाइल नंबर टू के व्यूअर्स को, और अब हम चलते हैं पाइल नंबर थ्री की तरफ और देखते हैं जिन्होंने ये वाला हैंडपीस चूज किया है, आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, आपकी तरफ कौन सी खुशियां आ रही हैं। तो लेट अस सी, मेरे पास यहाँ पे तीन डेक हैं फ्रेंड्स, मैं तीनों से एक एक कार्ड निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि आपकी तरफ कौन सी खुशियां आ रही हैं। पाइल नंबर वन एंड टू बहुत इंटरेस्टिंग थे, आप अगर उसे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग, ओके, पहले हम निकाल लेते हैं उसके बाद चैनल करेंगे।
पाइल नंबर थ्री, आप लोग बहुत ही वाइज सोल्स हैं, ठीक है। आप हो सकता है आप मिसेस बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो है स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और अकेलेपन में बहुत वक्त गुजारा है, अकेले रहकर अंधेरे में काम किया है। यू नो, जैसे कहते कि एक एक इंसान को अंधेरे में काम करना होता है कुछ समय तक, क्योंकि नया क्रिएट तभी होता है जब आप अंधेरे में काम करते हैं। अंधेरे में काम करने का मतलब उसे लिटरल सेंस में ना ले कि आप लाइटें बंद करके काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अपने आप को ढूंढना, यू नो, जैसे खुद के साथ वक्त बिताना, ये हम अकेले में ही बिता सकते हैं, अंधेरे में बिता सकते हैं। जब आप एकदम उजाले में रहते हैं, जब आप खुशियों से भरे हुए रहते हैं, तब आप इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जब आपकी लाइफ में बहुत बड़े स्ट्रगल्स आते हैं या आपको कुछ ऐसी चीजें लाइफ में चैलेंज करती हैं, तब आप इस अंधेरी चीजों की तरफ वर्क करते हैं, इस नेगेटिविटी को फाइट करते हैं और एक वॉरियर की तरह आप यू नो विक्टोरियस होना चाहते हैं इसमें। तो आप में से जैसे बहुत सारे लोगों ने ये विजडम को गेन किया है, खुद को पहचाना है, अपने और शायद ईश्वर के कॉन्ट्रैक्ट को समझा है, ठीक है, और बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस रखा है। अगर ये सारी चीजें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं, तो ये आपकी पाइल नहीं है फ्रेंड्स। तो आपने बहुत, ये जिस किसी ने भी ये पाइल को चूज किया है, आपने बहुत पेशेंस रखा है जिंदगी में, आपने बहुत लंबा वक्त गुजारा है यू नो विजडम को हासिल करने के लिए, और आपको ऐसा लग रहा है आपकी पैशन कहीं ना कहीं यू नो खत्म सी हो गई है। जैसे आपको पैशन इन द सेंस लाइक आपको जिंदगी से अब बहुत ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं रह गई, या आप बहुत सारा अपने आप को, कुछ लोग तो अपने आप को यू नो बोरिंग भी समझते होंगे, यू नो जैसे आपको बस शायद आध्यात्मिक किताबें पसंद हो या वैसी ही बातें पसंद हो बस, और यू नो और ज्यादा जानकारी हासिल करना, और ज्यादा कुछ सीखना, और ज्यादा कुछ पढ़ना, बस ऐसी ही चीजें पसंद हो, ठीक है, और आपने शायद बहुत लंबा वक्त ऐसे ही गुजार दिया हो। तो अब आपकी जिंदगी में क्या खुशियां आ रही हैं, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा स्पार्क आ रहा है, कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में फ्रेंड्स जो आपको एक बार फिर से यू नो वो पैशनेट जिंदगी को जीने में आपको प्रेरित करेगा, एक बार दोबारा आपको उस यूथफुल एनर्जी में लेकर आएगा, एक बार दोबारा से आप जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको जिंदगी से एक अलग तरह का प्यार हो गया है, ठीक है। आप उस यू नो एक टीनेजर की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह आप खुश रहने की खुशियां, इस तरह की खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपको डिवाइन जो है एक न्यू स्पार्क आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अगर हम इसे मेटाफोरिकली समझें, तो एक बुझते हुए दिए में यू नो और ज्यादा घी ऐड करके उसे ब्यूटीफुल एक स्पार्क, नई जिंदगी यहाँ पर डिवाइन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग में से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बस आपकी लाइफ में चार्म खत्म हो गया है, या लाइफ बहुत यू नो बहुत मोनोटोनस, बहुत बोरिंग सी हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। आप एक बार दोबारा से इस न्यू एनर्जी में आने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे जो आप एक न्यू जिंदगी को महसूस करेंगे, एक न्यू स्पार्क को अपने अंदर महसूस करेंगे, एक यूथफुलनेस को महसूस करेंगे और बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। दोबारा से जिंदगी को जीने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत अच्छी यू नो रीडिंग्स थी तीनों पाइल्स, मुझे तो बहुत खुशी हुई ये रीडिंग करके। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आपके साथ कौन सी पाइल रेजोनेट की, हो सकता है तीनों पाइल्स आपके साथ रेजोनेट की हो, बिकॉज बहुत चांसेस है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के साथ तीनों पाइल्स रेजोनेट की हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।